मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कांग्रेस नेता नाना पटोले के बयान पर पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेसी बार बार आदिवासी समाज का अपमान करती है, ये उनकी गंदी मानसिकता है। महाराष्ट्र कांग्रेस चीफ नाना पटोले ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के श्री राम मंदिर दर्शन करने पर अमर्यादित टिप्पणी की थी। डॉक्टर यादव ने कहा कि मुझे बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि कांग्रेस के नेता बार बार आदिवासी समाज के लोगों का अपमान करते हैं। हमारे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भगवान राम के मंदिर के दर्शन करके जाने के बाद महाराष्ट्र कांग्रेस के प्रमुख नाना पटोले ने कहा कि राम मंदिर को अपवित्र कर दिया है, राम मंदिर को हम गंगा जल से धोएंगे, ये इनकी गंदी मानसिकता है। मुझे बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि कांग्रेस के नेता बार बार आदिवासी समाज और आदिवासी लोगों का अपमान करते हैं। भगवान राम के मंदिर को लेकर के जिस प्रकार से हमारी राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने दर्शन करके, अभी कुछ दिन ही हुए दर्शन करके जाने के बाद, और अब इनने कहा कि नाना पटोले चीफ महाराष्ट्र के कि हम राम मंदिर को अपवित्र कर दिया है, राम मंदिर को धोएंगे, गंगा जल से धोएंगे, तो ये इनकी गंदी मानसिकता है। ये आदिवासियों का अपमान करते हैं। भगवान राम तो 11 साल उनके बीच में रहे हैं और सबरी माता के बेर खा करके जो उनने संदेश दिया कि वो सभी वर्गों में समान रूप से बंधुभाव रखना चाहते हैं, ऐसे में कांग्रेसियों की मानसिकता ये लगातार हार के डर से, पराजय के भय से इतना गंदा सोचते हैं, बहुत दुर्भाग्य की बात है। मैं इसकी निंदा करता हूँ। और साथ ही साथ जिस प्रकार का वातावरण चल रहा है, ये अपने वोट बैंक के लिए एक तरह से संविधान की हत्या करना चाहते हैं। ये SC का, ST का, OBC का, सबका आरक्षण समाप्त कर